नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Micromax इन नोट 2 वर्सेस टेक्नो पॉप 5 प्रो का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो इन नोट 2 में 6.3 इंच जबकि पॉप 5 प्रो में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो इन नोट 2 में 2.93 इंच जबकि पॉप 5 प्रो में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो इन नोट 2 में 0.33 इंच जबकि पॉप 5 प्रो में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि इन नोट 2 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो इन नोट 2 में AMOLED जबकि पॉप 5 प्रो में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो इन नोट 2 में 6.43 इंचेस जबकि पॉप 5 प्रो में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन इन नोट 2 में 1080x2400 और पॉप 5 प्रो में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इन नोट 2 में 84.02% जबकि पॉप 5 प्रो में 81.94% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो इन नोट 2 में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि पॉप 5 प्रो में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो इन नोट 2 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और पॉप 5 प्रो की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो इन नोट 2 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और पॉप 5 प्रो की बात करें तो उसमें 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो इन नोट 2 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और पॉप 5 प्रो में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो इन नोट 2 में माली G76MC4 जबकि पॉप 5 प्रो में पावर GE8300 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो इन नोट 2 में मीडियाटेक हीलियो G95 और पॉप 5 प्रो में मीडियाटेक हीलियो मिलता है। बात करें रैम की तो इन नोट 2 में 4GB जबकि पॉप 5 प्रो में 3GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो इन नोट 2 में 64GB जबकि पॉप 5 प्रो में 32GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी इन नोट 2 में 5000mAh जबकि पॉप 5 प्रो में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो इन नोट 2 में 2 कलर्स जबकि पॉप 5 प्रो में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो इन नोट 2 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,490 रुपीस में मिल जाता है और बात करें पॉप 5 प्रो की तो वो 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 8,994 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Micromax इन नोट 2 में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें टेक्नो पॉप 5 प्रो की तो उसमें 6 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में इन नोट 2 आगे है, मेन कैमरा में इन नोट 2 आगे है,
फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में इन नोट 2 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 है, दूसरा Oppo F17 Pro है, तीसरा Micro Max in Note 1 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।